एक इंट्रोडक्शन। सर आप एक अधिकारी हैं और अधिकारी रहे, आपके एकदम ये बाबा साहब की जो एक विचारधारा है, आप आपने गीतों के माध्यम कविता के माध्यम से कैसे परिवर्तित हुआ आपका? ये एकदम नहीं हुआ, ये हमें विरासत में मिला, हमारा एकदम नहीं हुआ, हमें विरासत में मिला। हमारे परिवार में कभी भी किसी देवी देवता भगवानों की कभी कोई छाया तक नहीं पड़ी। हमारे बाबा दादा कबीरपंथी थे और उस समय से लेकर के जितने ढोंग डम्बर अंधविश्वासों से हम सदैव दूर रहे। गाना बजाना हमारा घर में भी जो हमारा सत्संग होता था तब से हम गाने बजाने से जुड़े हुए हैं, और तब पहले कबीर साहब के भजन गाया करते थे, अब बाबा साहब और बुद्ध के गाते हैं, इतना फ़र्क है। ठीक है सर, आपका एक जो आप भजन कहेंगे गीत गाएंगे? एक गीत है, गीत। हाँ देखिए ऐसा है, अभी हमारे सामने महिलाएं खड़ी हुई हैं कई सारी। हाँ तो क्या है, ये जो कल्चर है ये महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है उसको आगे बढ़ाने में ले जाने में। कोई शादी ब्याह फंक्शन होते हैं तो महिलाएं तरह तरह के गीत गाती हैं, इसलिए गाती हैं क्योंकि हमारे गीत नहीं हैं तो उनके गीत गाने के लिए वो मजबूर होती हैं। उनके लिए गीत है, इन महिलाओं के लिए गीत है, और उसकी बैकग्राउंड ये है कि जैसे यहाँ हमारे यहाँ एक प्रथा है, जब शादी होती है तो महिला अपने बच्चे के शादी होती है तो मायके वालों के यहाँ भात मांगने जाती है। तो एक बहन अपने भाई के घर गई है तो वो एक चुनरी के लिए कह रही है, कैसी चुनरी चाहिए उसको, वो स्पेसिफिकेशन देती है कि भात में क्या लेके आना है, उसके संदर्भ में गीत है ये, और इसकी तर्ज है मल्हार। मल्हार ये महिलाओं के लिए है। हरे बोध धर्म की, हाँ बोध धर्म की, लाए दे भैया चुनरी जी, बोध धर्म की, लाए दे भैया चुनरी जी, ए जी जपे बाबा की, अरे हाँ हाँ जपे भीम की, छपी हो तस्वीर, बोध धर्म की, लाए दे भैया चुनरी जी। ये हमारे आपके बाबा नहीं, ये पूरे देश के और पूरी दुनिया के बाबा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। बौद्ध वृक्ष के नीचे अरहत तप करें जी, बौद्ध वृक्ष के नीचे अरहत तप करें जी, ए जी कोई सुजाता, अरे हाँ हाँ कोई सुजाता, खिलावत खीर, बौद्ध धर्म की, लाए दे भैया चुनरी जी, ए जी जापे बाबा की, अरे हाँ हाँ जापे फूले की, छपी हो तस्वीर, बौद्ध धर्म की। पंचशील ध्वज चुनरी ऊपर हो छपाजी, पंचशील ध्वज चुनरी ऊपर हो छपाजी, ए जी सारी दुनिया को, अरे हाँ हाँ सारी दुनिया को, बंधावत धीर, बौद्ध धर्म की, लाए दे भैया चुनरी जी, जापे बाबा की, अरे हाँ हाँ जापे साहू की, छपी हो तस्वीर, महाड़ ताल की लहरें दिखें उठती जी। कौन सा महाड़ ताल? जिस महाड़ ताल से बाबा ने हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया था, उससे पहले हमें दलितों को, इन शूद्रों को तालाब से, कुएं से, नदी से पानी पीने का अधिकार नहीं था। तालाब में जानवर तो जा सकते थे, जानवर पेशाब कर सकते थे, गोबर कर सकते थे, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते थे। तो जो महाड़ तालाब है, महाड़ सत्याग्रह किया था बाबा ने, इसीलिए कहा महाड़ ताल की लहरें दिखें उठती जी, ए जी मेरे बाबा ने, अरे हाँ हाँ मेरे भीम ने, पिलायो है नीर, बौद्ध धर्म की,
लाए दे भैया चुनरी जी, ए जी जापे बाबा की अरे हाँ जापे कांसी की छपी हो तस्वीर। भारत संविधान लिखते मेरे भीम जी हो, भारत संविधान लिखते मेरे भीम जी हो, ए जी सारे सूत्रों की अरे हाँ सारी महिला की लिखा दी तक दीर बोध धर्म की लाए दे भैया चुनरी जी, ए जी जापे बाबा की अरे हाँ जापे साहू की छपी हो तस्वीर। और अंतिम है, बहुत महत्वपूर्ण है, अरे सत्ता की चाबी लेके कांसी मेरे हो खड़े जी। कौन सी सत्ता की चाबी? जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज दी मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। इसीलिए कहा है सत्ता की चाबी लेके कांसी मेरे हो खड़े जी, ए जी मेरी बहना जी अरे हाँ मेरी माया जी चलावत राज बोध धर्म की लाए दे भैया चुनरी जी, ए जी जापे कांसी की अरे हाँ जापे माया की छपी हो तस्वीर, बोध धर्म की लाए दे भैया चुनरी। बौद्ध धर्म की लादे भैया चुंदरी, बहन ने भात मांगा भैया से और अपील की चुंदी के लिए, और एक अपील हम फिर दोबारा करने जा रहे हैं। जो बहन ने भात मांगा है सर, एक गाना होता है जब वो लड़के को लाते हैं बिठाते हैं, वो दूल्हे को ले जाते हैं, उस समय एक गाना होता है, महिला बहुत गाती हैं कि वो बना सजाया, और ये वो दोपहरी उपहरी का जो होता है वो शायद हरियाली वाला तो नहीं, अब जो कोई भात का है ये मांगने गई है उसका कैसे स्वागत कर रही है ये गीत के माध्यम से जी। ये तर्ज इसकी दूसरी है, अरे मेरो भैया लायो भात, मेरो भैया लायो भात, जय भीम की बोलो बहना, मेरो भैया लायो भात, जय भीम की बोलो बहना, जय भीम की बोलो बहना, जय बुद्ध की बोलो बहना, मेरो वीरन लायो भात, जय भीम की बोलो बहना। बोला आप लोग साथ दें मेरा, जय भीम मैंने जो भी तो लिखवायो, मेरा भैया लेके आयो, मैंने जो भी तो लिखवायो, मेरा भैया लेके आयो, लायो लड्डू भरी परात, मेरे भैया भी ही मेरो बीरन लायो भात, जय भीम की बोलो बहना, जय भीम की बोलो बहना, जय बुद्ध की बोलो बहना, मेरो भैया लायो एक मोरत बोध की न्यारी, मैया को लगी जो प्यारी, एक मूरत बोध की प्यारी, मैया को लगी जो न्यारी, लायो पंचशील के साथ, जय भीम की बोलो बहना, जय भीम की बोलो बहना, जय बुद्ध की बोलो बहना, मेरो भैया लायो भात, जय भीम की बोलो बहना,
एक फोटो भीम की नारी पापा को लगी जो प्यारी, एक फोटो भीम की नारी पापा को लगी जो प्यारी, मेरे ले आयो सौगात जय भीम की बोलो बहना, जय भीम की बोलो बहना, जय बुद्ध की बोलो बहना, मेरो भैया जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम मेरा भैया लायो भात जय भीम की बोलो बहना। अगर इस तरीके से प्रचार होगा तो उम्मीद की जाती है और ये भविष्य के अंदर जो ये जो एक कोने के अंदर और शीशे के अंदर जकड़े हुए बैठे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो फिर बाबा साहब का ही नाम लिया जाएगा, भगवान गौतम बुद्ध का ही नाम लिया जाएगा, हमारे बीच में कुछ महिला भी हैं। आपने अभी जो इस तरीके के गीत सुने, क्या ये अभी वीरेंद्र सिंह जी ने जो गीत सुनाए, तो आप इनसे कितना प्रभावित हैं? इस तरीके के गीत गाने चाहिए या वो गाने चाहिए कि वो जो गाने चलते हैं आजकल वो अच्छे हैं या ये गाने अच्छे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमलेश गौतम है। विमलेश गौतम जी, हाँ जी। मुझे पहली बात तो इतनी खुशी हुई कि जो अंगल जी ने गाना गाया, क्योंकि हम महिला तो गाती हैं, हम कोई भी अपने प्रोग्राम में, शादी होती है और कोई भी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो हम ये हिंदूवादी गीत नहीं गाते हैं। नहीं?